पंचकुइया स्थित प्रजापति प्राचीन सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर पर 25 जुलाई से 3 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसका सभी धर्म प्रेमी भक्तों ने भरपूर आनंद लिया। पंचकुइया स्थित प्रजापति प्राचीन सोमेश्वरनाथ मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारम्भ मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। बैंड बाजू की स्वर मधुर धुन के साथ महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश रख मंगल कलश यात्रा में भाग लिया। आज प्राचीन सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। शुभारंभ से पहले अभी कलश यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसको क्षेत्रों में होकर भ्रमण करा करके मंदिर में आकर समापन होगी। उसके बाद 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ होगा, जिसमें अलग अलग आयोजन होंगे और सभी भक्तों आनंद लेंगे। भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है और आज कलश यात्रा के प्रारंभ से लेकर और उसके पश्चात भागवत कथा का जो है समापन जो प्रारंभ हो जाएगा, जो सप्ताहवर रहेगा, उसके बाद में 3 अगस्त को उसका समापन और भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। मंदिर है प्रजापति समाज से और यहाँ पर कलश उठ रहे हैं और ये राजा मंडी होते हुए पचकुइयाँ होते हुए यहाँ पे आकर सभा होगी, उसके बाद में भंडारा आयोजन किया जाएगा प्रजापति समाज द्वारा। यहाँ मंगल कलश यात्रा मंदिर से शुरू होकर गोकुलपुरा, राजा मंडी, नागरी प्रचारिणी, MG रोड होते हुए पुनः मंदिर पहुँची, जहाँ महिलाओं ने विधि विधान से कलशों को स्थापित किया। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस भागवत कथा का आयोजन रखा गया है हम सभी भक्तों के सहयोग से और ये भागवत कथा पहले से ही लगभग हर वर्ष की भांति होती आई, मगर कोरोना काल की वजह से ये बंद थी प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो जब कोरोना काल का जब समापन हुआ और लगा हमें सब कुछ ठीक है, तो इस भागवत कथा का आयोजन कमेटी और सभी क्षेत्र के निवासियों के सहयोग से इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारी मंदिर प्रबंधन कमेटी सोमेश्वरनाथ प्रांगण में जो भागवत कथा का आयोजन का शुभारम्भ होने जा रहा है, उसमें बहुत ही सराहनीय कार्य है और ऐसे धार्मिक कार्यों का आयोजन मैं समझता हूँ कि हमारी और हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और मैं धन्य देता हूँ अपनी कमेटी को, अपने यहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों को। ये कलश यात्रा शोभा जो शुभारम्भ हो रही है उसको यहाँ से पचकुइयाँ, राजा मंडी, गोकुलपुरा होते हुए MG रोड से यहीं समापन करेंगे। प्रजापति प्राचीन सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर कमेटी के आयोजन से हो रही इस भागवत कथा में प्रतिदिन प्रभु आनंद की ब्यार प्रवाहित होगी। 3 अगस्त को भंडारे के साथ कथा का समापन होगा। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।